हाय गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको KGF चैप्टर 3 पर फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ, जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख सको। एंड दोस्तों, ये फोटो मैंने काफी ज्यादा आसानी से बना दिया। तो गाइज, अगर आपको भी इस टाइप का फोटो बनाना होगा तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में गाइज मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल ला दिया हूँ। तो आपको दोस्तों इस टाइप का अगर फोटो बनाना होगा तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको कुछ इस टाइप का पोज चाहिए गाइज, जो कि आप क्लिक करवा लीजिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही पोज आपको भी चाहिए। एंड इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो फेस पर काफ़ी ज़्यादा लाइट होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको फोटो को लाइट रूम के अंदर लेकर जाना है गाइज। आपको मैं बताता हूँ वहाँ पर क्या करना है, जो कि एक क्लिक में आपका फोटो हार्ड हो जाएगा गाइज, और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपको डायरेक्ट लाइट रूम को ओपन करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रीसेट का लिंक दिया, उसको दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसको दोस्तों कॉपी सेटिंग कर लेना, और इतना करने के बाद आपको अपने फोटो पर जो उसको पेस्ट कर देना है। आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप से रिजल्ट आता है पेस्ट करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फोटो कुछ एक क्लिक में इस टाइप का हो गया। तो इतना ही हमको करना था। अब यहाँ से करेंगे फोटो को शेयर स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर गाइज आपको कुछ इस टाइप से क्या करना है कि सिलेक्टिव पर चले जाना है, और जहाँ आपको अंधेरा लगेगा वहां पर आप इस टाइप से लाइट दे दीजिएगा। इससे आपका फोटो पर लाइट रहेगा और काफी ज्यादा फोटो हार्ड लगेगा। जहाँ भी अंधेरा लगा होगा वहाँ पर आप इस टाइप से लाइट दे दीजिएगा, जिससे आपका फोटो पर काफ़ी ज़्यादा लाइट आएगी दोस्तों। और देख सकते हो किस टाइप से हमारा फोटो पर लाइट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फोटो खतरनाक लग रहा है ऐसे ही। तो इतना काम आपको भी कर लेना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हाथों पर अंधेरा है, तो यहाँ पर भी सिलेक्ट करके इस टाइप से आपको ब्राइटनेस बढ़ा देना है। इतना काम आपको क्या करना है कि कर लेना है। यहाँ पर भी अंधेरा है गाइस, तो यहाँ पर मैं इस टाइप से ब्राइटनेस आई करके सिचुएशन थोड़ा सा लो करता हूँ। बस इतना काम आपको करना है। एंड दोस्तों, पैरों पर भी, यहाँ पर आप जूते पहन के या चप्पल पे किसी पर भी आप इस टाइप के क्लिक करवा सकते हो फोटो। दोस्तों देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए किस टाइप से जो हमारा पैर है वो गोरा हो जा रहा है। तो इतना ही काम हमको यहाँ पर करना है। अब फोटो को डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद दोस्तों फोटो का जो है कटआउट करेंगे। तो मैं आपको फोटो रूम से कटआउट करके दिखाता हूँ किस टाइप से कटआउट होता है, जो कि फोटो हार्ड लगता है। अब आपको अपने पिकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। एंड यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि किस टाइप से आपको बैकग्राउंड पे अपने फोटो को ऐड करना है दोस्तों। और बैकग्राउंड पेज आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बैकग्राउंड पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा कि ये मेरा बैकग्राउंड हो गया गाइज, यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से बैकग्राउंड है। यहाँ पर अपने फोटो को जो हमको ऐड करना है, ये मेरा फोटो हो गया। एंड इसको मैं कुछ इतना पर बड़ा करता हूँ, और ये जो फोटो रूम का लोगो आया है गाइज, इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से, यहाँ पर पहले इसको मिटा देता हूँ और इसको कुछ इस टाइप से ऐड करता हूँ अच्छे से एकदम। इस टाइप से फोटो को ऐड कर देना है, इसको कर देना है सही। अब दोस्तों हमको यहाँ पर गन लगाना है, तो गन को आपको मैं लगा के दिखाता हूँ किस टाइप से गन को लगाया जाता है। ये देख लीजिए मेरा गन है, इसको सबसे पहले मैं रिटॉर्डर कर दूंगा इस वाले पे गाइज, और इसको मैं कुछ इतना पर बड़ा कर दूंगा। इतना काम आपको भी कर लेना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर इतना करने के बाद ये देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा नीचे और एकदम अच्छे से आपको एंगल को जो है बैठाना है, ये वाला एंगल दोस्तों। इसके बाद चले जाना है मिटाने वाले पर, और इन्वेट पे क्लिक कर देंगे पहले। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना कि स्टार्ट करेंगे। ये देखिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ, ये देख लीजिए साइज को छोटा करके इसको थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से इस टाइप से आपको जो है अपने उंगलियों को छोड़कर यहाँ पर ऐसे करना है दोस्तों। इस टाइप से आपको भी कर लेना है पूरे के पूरे गन को दोस्तों, आपको वापस से लाना है। ये देख लीजिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ एकदम अच्छे से, आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही अच्छे से करना है। बस इतना अगर काम आपका हो जाएगा तो आप समझ जाएगा कि आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस टाइप से इतना कर दिया। एंड यहाँ पर भी
अब यहाँ पर दोस्तों पहले मैं इसको अच्छे से करता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर साइज को छोटा कर लूँगा लगभग इतना पर, एंड यहाँ से उंगलियों को छोड़कर बाकी सारे जगह इस टाइप से इसको मैं खींच देता हूँ। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, एंड यहाँ पर इस टाइप से जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा दोस्तों, ये देख सकते हो आप, एंड इतना जो है काम आपको भी कर लेना है, इतना काम हो गया इसको करेंगे सही। अब गाइज हमको यहाँ पर क्या करना है कि देख सकते हो, और कुछ टैटू वगैरह उसको भी हमको ऐड करना है। सबसे पहले मैं ये वाला टैटू यहाँ पर ऐड करता हूँ अपने हाथों पर। गाइज इस टाइप से आपको यहाँ पर ऐड करना है, देख लीजिए मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। इतना करने के बाद इसको सही कर देंगे, एंड फिर से एक और टैटू को जो है हमको ऐड करना है, जैसे कि ये वाला टैटू हो गया ब्लड का एंड हैंड का। तो इसको मैं कपड़े पर इस टाइप से यहाँ पर ऐसे इसका ऑफसेटिंग कम, एंड यहाँ से फिर से डुप्लीकेट करके एक यहाँ पर नीचे से कर दूँगा। बस इतना काम करना है, इसको कर देना है सही। अब गाइज फोटो देख सकते हो कितना ज़्यादा कमाल का फोटो हमारा लग रहा है। तो इतना करने के बाद आपको कुछ शेडो वगैरह को लगा देना है, जो कि दोस्तों मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरा शेडो पीएनजी हो गया, इसको मैं कुछ इतना पर बड़ा करके सब और ज़्यादा बड़ा और नीचे में इस टाइप से लगा दूंगा। इतना काम करने के बाद इसको कर दूंगा सही। बस इतना ही काम हमको यहाँ पर टिकट एप्लीकेशन के अंदर करना था दोस्तों। देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा जो है हार्ड लग रहा है। तो इतना कम फोटो को कर लेते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में रिमी एप्लीकेशन होगा तो आप रिमी का यूज कर लीजिएगा, जिससे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके बाद फोटो को थोड़ा थोड़ा स्मूथ करना है, आपको मैं दिखाता हूँ रिमी का यूज करके। अब आपको क्या करना है कि फोटो पर थोड़ा थोड़ा स्मूथ करना है, तो मैं स्केच बुक के अंदर लेकर चलता हूँ, यानी कि ऑटो डेस्क एप्लीकेशन के अंदर फोटो को लेकर चलता हूँ, एंड यहाँ पर आपको बताऊँगा किस टाइप से आप स्मूथ कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आपको नीचे में चले जाना है और ये वाला आपको ब्रश लेना है, सेटिंग आपको इतना रखना है जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ गाइज। और इस टाइप से आपको करना है जूम और साइज को छोटा करके अपने जो हेड है यानी अपने फेस पर दोस्तों इस टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा बस यूज करना है, इसको ऐसे रगड़ देना है जिससे कि फेस थोड़ा थोड़ा स्मूथ हो गया जाएगा और फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पर स्मूथ करना था दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए मैं किस टाइप से कर रहा हूँ और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस टाइप से गाइस आपको पूरे के पूरे फेस पर कर लेना है। नाकों पर भी इस टाइप से आपको स्मूथ जो है करना है, ब्रश को यूज करना है सेम टू सेम ऐसे ही। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने हाथों पर भी थोड़ा थोड़ा ब्रश को यूज करना है। ये देख लीजिए मैं किस टाइप से कर रहा हूँ एंड कैसे कितना ज़्यादा आसानी से अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। ऐसे भी सेम टू सेम आपको भी क्या करना है कि कर लेना है। और ये जो टैटू है इसको आपको छोड़ देना है, वैसे इस पर स्मूथ आपको नहीं करना वरना टैटू खराब हो जाएगी। और इस टाइप से आपको पूरे के पूरे हाथों पर स्मूथ कर लेना है दोस्तों। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस टाइप से स्मूथ किया जाता है, हल्का हल्का सा आपको स्मूथ करना है। इसके बाद यहाँ पर भी जितना आपका हाथ दिखेगा उतना आपको स्मूथ कर देना है, देख लीजिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ब्रश को रगड़ देता हूँ जिससे कि फोटो अच्छा लगेगा। इतना काम हमारा हो गया दोस्तों। पैरों पर भी साइज को बड़ा कर लेता हूँ लगभग 30 करता हूँ और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है स्मूथ हो चुका है, देख लीजिए कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है गाइज। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपने होठों को थोड़ा सा लाल करता हूँ, जो कि इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला ब्रश जो है ले लेना है, ऊपर में मिल जाएगा, सेटिंग आपको इतना पर रखना है और यहाँ पर कलर आपको लाल कर देना है। और कर लीजिए फेस पर जूम और अपने होठों पर इस टाइप से थोड़ा थोड़ा बस लगा देना है दोस्तों। ये देख लीजिए किस टाइप से मैं लगा रहा हूँ और इतना बस इसका ऑफसेटिंग जो है मैं कम कर देता हूँ, इतना पर कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये देख लीजिए इतना पर रखूँगा इसको,
एंड और चश्मे का भी करूँगा तो फिर से इसका एक डुप्लीकेट करके अपने चश्मे पर जो है इस टाइप से मैं कर देता हूँ, इसको बढ़ा करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करना है हमको इतना इतना पर। एंड देख लीजिए कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो इतना पर करने के बाद दोस्तों इसका भी ऑफसेट थोड़ा सा कम कर देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं फोटो को क्या करता हूँ कि कर लेता हूँ सेव। एंड सेव करने के बाद आपको फोटो को क्या करने के लिए लेकर चलना है सीधा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लाइट एडजस्ट करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। फोटो को लेकर चलते हैं एलआर के अंदर। ये देख लीजिए किस टाइप से मैं लाइट एडजस्ट करता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने लाइट रूम को ओपन कर देना है फोटो को भेजने के बाद। एंड दोस्तों हमारा फोटो जो लाइट रूम के अंदर आ चुका है, देख लीजिए ये मेरा फोटो हो गया। किस टाइप से लाइट एडजस्ट करता है वो आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले लाइट वाले पर चले जाना है और हाईलाइट को थोड़ा सा लो करना है दोस्तों, शेडो को थोड़ा सा बढ़ाना है गाइज, इतना इतना आपको बस करना है। व्हाइट को थोड़ा सा कम करना है एंड ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ाना है, इतना काम करना है। पहले आपको कलर पे जाना है, इसको इतना पर करना है एंड दोस्तों ग्रेलाइट पे जाके इसको इतना माइनस एंड इसको थोड़ा सा एंड इसको इतना माइनस, इतना पर आपको करना है यहाँ पर। एंड इसके बाद इसको क्या करना है कि इस पे चले जाना है दोस्तों। अब दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा ऊपर में करना है गाइस, इतना पर ये देख लीजिए इतना पर आपको करना है दोस्तों, इतना पर रखेंगे जो कि आपका फेस पर काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन टाइप का टोन आया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद मैं मिक्स पे जाऊँगा, पहले वाले को क्या करना है कि थोड़ा सा हाई करता हूँ, इसको थोड़ा सा इतना पर लो करता हूँ, लगभग 13 करता हूँ गाइज। एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा माइनस, इसको थोड़ा सा प्लस, लगभग इतना पर। ये देख लीजिए फेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइट आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा फेस अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद येलो वाले को थोड़ा सा इधर करता हूँ जो कि ये येलो वाला कलर वो रेड हो जाएगा, ग्रीन वाले पे कुछ नहीं। ब्लू वाले को थोड़ा सा हाई, इसको भी थोड़ा सा हाई, इतना पर काम करना है। एंड इसके बाद डाउन करना है, इफेक्ट पर जाना है, इसको क्लैरिटी को 6 करेंगे, इसको थोड़ा सा बस लो करेंगे, बस हमारा फोटो बनकर तैयार हो गया गाइस। सेम टू सेम मैंने फोटो यहाँ पर बना दिया है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।